Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good morning to all of you students. How are you all? I hope you all are fine, safe and doing well at home. Welcome you all in your online maths class. Students, you know that we have to continue our further course through online classes for the time being. So pay proper attention to your class videos. Now we'll start today's lecture. So open your book. Our today's exercise is exercise number 3. Solve the following. We'll do question number 1. क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर फोर इन आवर नोट बुक सो ओपन योर नोटबुक फोकस एक्सरसाइज नंबर थ्री एंड रेफरेंस बुक पेज इज थ्री क्वेश्चन हमारा है सोल्व द फॉलोइंग ओके सेवेंटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइन्टी प्लस टू हंड्रेड थर्टी फोर इट मीन्स के हमने इन दोनों नंबर्स को आपस में प्लस करना है एंड देन जब आंसर जो हमारा आएगा उससे हम माइनस करेंगे फिफ्टी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी सो लेट स्टार्ट सबसे पहले आपने लिखना है सोल्यूशन देन हम फर्स्ट स्टेप में करेंगे एडिशन जब उसका हमारे पास आंसर आ जाएगा उसके बाद हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ठीक है तो so एडिशन की आप हेडिंग देंगे सेवेंटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइन्टी आप लिखेंगे और उसके नीचे आपने सेकेंड वन नंबर यानी टू हंड्रेड थर्टी फोर राइट right साइड से आप लिखना स्टार्ट करेंगे फोर को यूनिट्स के कॉलम में देन थ्री टेन एंड देन टू जो है वो हंड्रेड के कॉलम में अब हम इसको करते हैं प्लस जीरो प्लस फोर क्या आता है तो जीरो में जो भी नंबर प्लस होता है आंसर वही नंबर आता है ठीक है जीरो प्लस फोर इज इक्वल टू फोर नाइन प्लस थ्री यानी नाइन में थ्री प्लस आप ऐड करेंगे तो क्या आंसर बनेगा आप इस तरह इधर लिखेंगे कि नाइन और उसमें आप वन टू अब इसको काउंट करें नाइन टेन इलेवन एंड देन थ्री ट्वेल्व ट्वेल्व हमारे पास आ गया तो ट्वेल्व का हम टू नीचे लिखेंगे वन हमारे पास ऊपर नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा यानी हंड्रेड के कॉलम में चला जाएगा वन प्लस सिक्स यह हमारा आ गया सेवन सेवन प्लस टू सेवन प्लस टू लाइम्स कितना आ जाएगा सेवन एट नाइन यह हमारे पास आ गया नाइन देन फाइव के पास हमने क्या प्लस करना है इसके नीचे कोई नंबर नहीं है फाइव नीचे आ जाएगा एंड सेवन भी अपने कॉलम में नीचे आ जाएगा तो आंसर हमारा क्या बनेगा सेवेंटी फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी फोर अब हम इसे अपना थर्ड नंबर माइनस करेंगे ठीक है तो आपने सेकेंड हेडिंग देनी है सब देन आप लिखेंगे सेवनटी फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी फोर और उसके नीचे आपने राइट करना है अपना थर्ड नंबर फिफ्टी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी ठीक है अब चूंकि हम माइनस कर रहे हैं तो फोर से जीरो माइनस करें तो इट मीन्स फोर से कुछ माइनस नहीं हो रहा आपके आंसर में आएगा फोर देन टू माइनस टू यहां पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा यहां हम लिखेंगे जीरो नाइन माइनस एट यहाँ हमारे पास आ जाएगा वन यानी नाइन से एट चला गया तो क्या रह जाएगा एट के बाद नाइन ही आता यानी वन आएगा देन फाइव है नीचे हम इसने हमने इससे सब्ट्रैक्ट करना है सिक्स को तो फाइव तो छोटा होता है फाइव के लिए हम हेल्प लेंगे सेवन से सेवन से एक कैरी आएगा और ये फाइव को फिफ्टीन कर देगा ठीक है फिफ्टीन माइनस सिक्स तो ये हमारे पास आ जाएगा नाइन स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करना बहुत ईजी है ठीक है यानी आप 15 हैं और हमने सबट्रेक्ट करना है 6 तो जो आपने सबट्रेक्ट करना है वो आप लिख दोगे यानी मैंने 6 जो है वो माइनस करना है किस से माइनस करना है 15 से तो 6 के बाद मैं काउंटिंग स्टार्ट करूंगी 15 तक 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ठीक है 15 तक मैंने काउंटिंग कर ली अब 6 माइनस हो गया है तो इसको मैं काट दूंगी और आगे जो लाइंस बच गई हैं उसको काउंट करूंगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो मेरे पास आंसर क्या आ गया नाइन ठीक है अब नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास सेवन के बजाय सिक्स रह गया था क्योंकि इसने वन जो है वो फाइव को देकर उसे फिफ्टीन कर दिया था ठीक है अब सिक्स से आप फाइव माइनस करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे फाइव और हमने सिक्स माइनस करना है तो सिक्स यानी यहाँ पे हमारे पास आ गया वन तो इधर हम आंसर में लिखेंगे आंसर क्या बन गया? थ्री हंड्रेड एटी फाइव को हमने मल्टीप्लाई करना है ट्वेल्व के साथ ठीक है ये आपकी टू डिजिट मल्टीप्लीकेशन है आप सोल्यूशन लिखोगे देन आपने नंबर लिखना है थ्री हंड्रेड एटी फाइव और नीचे आपने उसके कॉलम uh, में लिखना है यूनिट्स uh, और टेन के कॉलम में ट्वेल्व ठीक है और लेफ्ट साइड पे आप मल्टीप्लीकेशन का साइन लोगे ठीक है अब मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है सबसे पहले आपने यूनिट वाला जो नंबर है जो नीचे लाइन में है सेकेंड रो में टू यानी वो आपने लेना है टू का टेबल आपने पढ़ना है पहले फाइव तक ठीक है यानी टू मल्टीप्लाई बाय फाइव क्या आंसर आएगा टू फाइव जा टेन ठीक है तो अब आप आंसर में ये जीरो लगाओगे यानी यूनिट वाला जो होता है यानी ये दो डिजिट डिजिट टू नंबर है ना तो जीरो आप आंसर में लगाओगे वन जो है वो अगले कॉलम में चला जाएगा फिर आपने टू का टेबल पढ़ना है एट तक टू इंटू एट यानी टू एट जा क्या आता है टू एट जा हमारे पास टू मल्टीप्लाय बाई एट यानी टू टाइम्स एट तो हमारा आंसर आता है सिक्सटीन सिक्सटीन है अब सिक्सटीन में यहां से जो वन आया था वो प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा सेवनटीन तो सेवन हम नीचे लिखेंगे वन हमारा ऊपर थर्ड कॉलम में चला जाएगा हंड्रेड के कॉलम में अब टू का टेबल अगेन हम पढ़ेंगे थ्री तक टू इन टू थ्री क्या आंसर आएगा टू थ्री और वन तो क्या बन जाएगा सेवन ठीक है अब चूंकि ये टू डिजिट मल्टीप्लीकेशन है तो टू के साथ तो मल्टीप्लीकेशन हो गई अब हम करेंगे वन के साथ फाइव देन वन के साथ एट एंड देन वन के साथ थ्री रिमेंबर स्टूडेंट्स अगर आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्शन और एडिशन है तो आपने राइट right साइड से स्टार्ट करना है ठीक है ओके टू डिजिट मल्टीप्लीकेशन में सेकेंड लाइन में जब आप मल्टीप्लाई करते हो यानी सेकेंड डिजिट की मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आप फर्स्ट कॉलम जो है वो छोड़ दोगे ठीक है यानी वहां पर आप मल्टीप्लीकेशन का साइन दोगे अगेन ठीक है और नेक्स्ट कॉलम से आप स्टार्ट करोगे फाइव वन जा यानी वन फाइव जा फाइव वन एट जा एट एंड वन थ्री झा थ्री तो ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन हो गई है अब हम सेकेंड हमारा स्टेप क्या होगा अब हम इसको करेंगे एड यानी प्लस करेंगे जीरो अपने कॉलम में नीचे आ जाएगा ठीक है सेवन प्लस फाइव क्या आंसर बनता है यानी आप सेवन एंड देन आप प्लस करोगे वन टू थ्री फोर फाइव तो सेवन के बाद काउंटिंग करें एट नाइन टेन इलेवन और ट्वेल्व क्योंकि हम फाइव प्लस कर रहे हैं ठीक है तो यहां पे हमारे पास आता है ट्वेल्व तो ट्वेल्व का टू हम इधर लिखेंगे वन हमारा आ जाएगा सेवन के ऊपर यहाँ ठीक है तो वन सेवन एड हो जाएगा ये हो जाएगा एट एट प्लस एट क्या बनेगा फर्स्ट हमारे पास एट है और हमने इसमें एट लाइम्स प्लस करनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अब एट के बाद काउंटिंग स्टार्ट करें एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन क्या आंसर आ गया सिक्सटीन सिक्सटीन का हमने सिक्स जो है वो नीचे लिखेंगे आंसर में वन जो है वो नेक्स्ट कॉलम में यानी थाउजेंड के कॉलम में चला जाएगा ठीक है एंड वन प्लस थ्री ये हो जाएगा फोर हमारा आंसर क्या बना फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी नैक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर इज अबाउट डिविजन ठीक है यानी हम इसमें क्वेश्चन डिवाइड करेंगे फोर हंड्रेड फोर्टी फाइव डिवाइड बाई फोर हमने इस नंबर को डिवाइड करना है फोर के साथ सोल्यूशन आप डिवीजन का सेम्बल डालोगे ठीक है यानी ये लाइन लगाओगे अब जो डिवाइडर है यानी जो सेकंड नंबर है वो आप बाहर लिखते हैं और जो डिवाइडेंट है उसको हम इसके अंदर लिखेंगे यानी 445 ठीक है अब हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से रिमेंबर स्टूडेंट्स के डिवीजन जो है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है जबकि एडिशन मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रेक्शन राइट साइड से ठीक है ओके okay. फोर है यहां पर भी हमारा फर्स्ट डिजिट फोर है तो हम वन बाय वन एक एक नंबर लेकर इसको डिवाइड करेंगे फोर का टेबल पड़े कि फोर आ जाए तो फोर वन जा फोर हम वन लिखेंगे ऊपर जो कि हमारा क्वेश्चन बनेगा ऊपर वाला नंबर ये हमारा डिवाइडर होता है और ये हमारा डिवाइडेंड फोर वन जा फोर अब माइनस करेंगे यहाँ पे कुछ नहीं आता नेक्स्ट वाला नंबर नीचे आ जाएगा ठीक है अगेन फोर ही है फोर का टेबल पड़े कि फोर आ जाए फोर वन झा फोर ठीक है ये भी खत्म हो गया थर्ड नंबर हमारे पास है फाइव अब हमने फोर का टेबल पढ़ना है कि फाइव या फाइव से कम आ जाए तो फाइव तो फोर के टेबल में नहीं आता अगेन हम फोर को मल्टीप्लाई करेंगे वन के साथ यहां पे आ जाएगा फोर वन जा फोर फाइव माइनस फोर आंसर आएगा वन अब वन चूंकि छोटा है वो फोर पे डिवाइड नहीं हो सकता इसलिए वन हमारा रिमाइंडर है और क्वेश्चन यानी कि आंसर हमारा है वन हंड्रेड ठीक है ये हमारा आंसर हो गया दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज टिल देन स्टे एट होम टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़